सिंगरौली जिले में आज EMIL कंपनी के लिए आवंटित बंधा कोल ब्लॉक क्षेत्र अधिग्रहण के लिए एक NGO द्वारा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद तेंदुआ देवरी पचौरी के बाद आज बंधा में सामाजिक समाघात जनसुनवाई का आयोजन किया गया। साथ ही इस जनसुनवाई की प्रभारी संपदा सराफ ने कहा कि लोगों ने आज इस जनसुनवाई में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है, उस पर अधिकारियों के साथ बैठक कर उन आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। साथ ही इस जनसुनवाई में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय पाठक ने भी कहा कि मैं यहां का निवासी हूं, साथ ही विस्थापितों के संबंध में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि विस्थापितों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोयला भंडार इन जमीनों में छिपा हुआ है, यहां कोयला खदान तो खोलना ही है, लेकिन यहां के विस्थापितों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो भी आज इस जनसुनवाई में लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है, उन आपत्तियों का निराकरण होना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता व बंधा क्षेत्र के निवासी दरोगा पाठक ने बिंदुवार अपना पक्ष रखा। दरोगा पाठक ने कहा कि विस्थापितों के लिए जहां विस्थापित कॉलोनी बने, वहां पर इस कंपनी के अधिकारी कर्मचारी के लिए भी वही कॉलोनी बने, क्योंकि बाद में विस्थापितों को अपने हाल में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि साथ में बगल में कानून बनेगा तो उन विस्थापितों की समस्या से अधिकारी कर्मचारी अवगत रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इन आपत्तियों का जब तक निराकरण नहीं किया जाता तब तक हम लोग असहमत रहेंगे। असहमति के साथ ही दरोगा पाठक ने कहा कि कोल माइंस खुल रही है, यह भारत सरकार की संपत्ति है, वह तो आज नहीं कल खुलेगी ही, लेकिन हम लोग विस्थापित होने वाले हैं। हम लोगों की आपत्तियों का 100% निराकरण कराया जाए। कर रही हमारी जो मांगे हैं मध्य प्रदेश सरकार से, सर्वे जो किया है NGO ने किया, वो सर्वे रिपोर्ट पर हम लोगों को कोई भरोसा नहीं और सर्वे रिपोर्ट पूर्ण है भी नहीं। हम लोगों ने अपनी बात मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधियों को दे दिया है और उसमें मध्य प्रदेश शासन जब हम लोगों के मांगों पर विचार करेगा तब हम लोग ग्रामीण एक बार फिर बैठक करेंगे और बैठक करके निर्णय करेंगे कि हम लोग कंपनी देन को देने के लिए राजी है कि नहीं राजी है। जब तक हम लोगों की मांग पत्र पर उचित निर्णय नहीं होगा तब तक हम लोग सहमति या असहमति कोई कुछ नहीं व्यक्त कर रहे। 4 गुना मुआवजा की मांग कर रहे हैं, अगर नहीं मिलता उस स्थिति पे क्या कदम? देखिए, मध्य प्रदेश के भारत के 14 राज्यों में 4 गुना मुआवजा है, आप लोग भी जानते हैं, और हमारे बगल में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी के सीमाएं लगी हुई है, वहाँ भी 4 गुना मुआवजा है। तो यदि 4 गुना नहीं मिलेगा तो हम लोगों के साथ अन्याय होगा, और 4 गुने की जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उतनी लड़ाई लड़ेंगे और 4 गुना लेकर रहेंगे, चाहे जैसे मिले, चाहे हम लोगों को न्यायपालिका की शरण लेना पड़े या जन आंदोलन करना पड़े। 4 गुना ये जन सुनवाई थी बंधा में, लोगों ने अपनी समस्या बताई, क्या कहेंगी आप इस पर? बंधा कोल ब्लॉक द्वारा 5 ग्रामों में जो प्रस्ताव है आज यहाँ पर के समक्ष समाप्त वाचन किया गया है। जनता के कुछ आपत्तियां आई है, कुछ और सुझाव आए हैं, जो सुझाव दल निरीक्षण करने उपरांत स्वीकृति योग्य होंगे वो एक्सपर्ट कमेटी को प्रस्तुत करेगी, तत्पश्चात इनमें संशोधन संभव है। जो सुझाव हम इंक्लूड कर सकते हैं, कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है, क्या कहेंगे उस पर? आपत्तियां लिखित रूप में दर्ज कराई गई है, इन आपत्तियों की जिस तरह से सुनवाई उचित है, नियमानुसार अधिनियम है, जो बात रखी गई अधिनियम का पालन करना बहुत ही अधिनियम के तहत जो भी नियम तह ही यहाँ विस्थापित 4 गुना की मांग कर रहे हैं, इसमें आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, वो मध्य प्रदेश शासन की नीति है, एक नीतिगत विषय है जो वर्तमान में जिला प्रशासन के हाथ में है। हम इसका सुझाव शासन पंचायत अध्यक्ष होने के नाते नहीं, मैं इस ग्राम पंचायत का, इस गांव का निवासी भी हूँ। जो लोगों की समस्याएं हैं निश्चित रूप से वो सही हैं, और मैं इन ग्राम के सभी सदस्यों के साथ हूं। और रही बात सामाजिक समाघात में जो उन्होंने वाचन किया, वो उन्होंने पहले भी कहा कि ये वाचन जो किया जा रहा है किसी पूर्व के किसी NGO से कराया गया था, उसमें सुधार संभव है। जो बातें आप सब लिख के दे देंगे और उसका फिर से उसको देख लिया जाएगा, और देखने के बाद पुनः उसका आकलन करके आपके सामने रखा जाएगा पटल पर।
ग्रामीणों का कहना है कि चार गुना मुआवजा नहीं मिलेगा तो आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्लांट नहीं लगने देंगे, आप क्या उनके साथ में रहेंगे? बिल्कुल मैं रहूं, मैं इसी गांव का निवासी हूं। चार गुना उनकी मांग जायज है, जो शासन की गाइडलाइन होगी, जो इसके पूर्व में दिया गया होगा और जो वर्तमान की गाइडलाइन होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी मंशा है कि किसी गरीब के साथ अन्याय ना हो। जो शासन की गाइडलाइन होगी, जितना पैसा अधिक से अधिक मिलना होगा हमारे क्षेत्र की जनता को, हमको सबको, वो निश्चित रूप से मिलेगी। मैं उनके इस जनता जनार्दन के साथ, अपने इस गांव की जनता के साथ, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सिंगरौली से सऊद खान की रिपोर्ट।